वेदा सिटी की तरफ गिर रहे हैं। लगता है लैंडस्लाइड हो रहा है। जल्दी वापस चलो, सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लड्डू सिंह जी, ऊपर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर वेदा सिटी की तरफ आ रहे हैं। शहर में जल्दी सबको अलर्ट कर दीजिए। क्या पत्थर? कैसे? कब? कहाँ? क्यों? शिवा, थैंक यू वेरी मच। शिवा, आज तक कभी ऐसा लैंडस्लाइड वेदा सिटी में नहीं हुआ। अचानक ये सब कैसे? रेवा, नेचुरल कैलामिटीज बोलकर नहीं आती। पर्वतों के राजा तुम सबसे नाराज हैं। मैंने स्वयं पर्वतों के राजा से बात की है, उन्होंने ही मुझे बताया है। अच्छा, पर्वतों के राजा, वो कौन है, कहाँ रहता है? वो पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो। बालक, एक साथ इतने सवाल, थोड़ी सांस तो ले लो। मैं हूँ पहाड़ी बाबा। मेरा निवास पहाड़ों में ही कई सालों से है। इतने सालों पहाड़ों में रहते हुए मैं उनकी भाषा समझ सकता हूँ। पहाड़ों के राजा चाहते हैं तुम सब शहर छोड़कर जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, वरना वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। पर हम सब ने उनका क्या बिगाड़ा है? उनका कहना है कि तुम लोग पहाड़ों की सुंदरता खराब कर रहे हो। पर्वत के राजा, पहाड़ी बाबा, अच्छी कहानी है। लगता है बालक तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं है। ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी। इस समय पर्वत राजा हमसे कह रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं समझे तो रात में फिर तबाही होगी। मैं चलता हूँ। तो बताइए पहाड़ी बाबा, हमारी आज की रेड कैसी रही? हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। रेड अच्छी रही, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। ये शहर मुझे खाली कराना है। यहाँ पर मैं अपनी माउंटेन सिटी बनाऊंगा। एक हफ्ते में अगर मैंने इस वेदा सिटी को पूरा खाली नहीं करवाया तो मेरा नाम भी पहाड़ सिंह नहीं। लगता है कि पहाड़ी बाबा की बात किसी ने मानी नहीं। मानेंगे, जरूर मानेंगे। जो मान जाए वो बच गया, वरना हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। रात होने वाली है, जाओ एक और रेड की तैयारी करो। बाय बाय, काम करके लौटना।
जी, बताइए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, इससे निपटने का फिलहाल मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तरीका है, तरीका है। शहर छोड़ के भाग जाओ, खाली कर दो ये शहर, वरना सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू शिवा। पहाड़ी बाबा, क्या आप हमारे स्टूडियो में इंटरव्यू देने आ सकते हैं? जब कोई बचेगा ही नहीं तो मेरा इंटरव्यू कौन सुनेगा और कौन देखेगा? उन चट्टानों को रोकिए, प्लीज अपने फ्रेंड पर्वतों के राजा को बोलिए कि रुक जाए। मैं सिर्फ कुछ ही देर के लिए उनको रोक सकता हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि पर्वत के राजा का सामना करूं। रुक जाओ साथियों, बॉस ने रुकने का ऑर्डर दिया है। कैसे हो गया? ये तो चमत्कार है। ओके, सब ध्यान से सुनो, बॉस हमें पीछे जाने को कह रहे हैं। सब रिवर्स कर लो जल्दी, बॉस कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। पर्वतों के राजा ने एक दिन का टाइम दिया है, सब शहर छोड़ के चले जाओ वरना सब खत्म। रेवा, कुछ गड़बड़ लगती है, मैं इस बाबा का पीछा करता हूँ। ड्राइवर, उस बच्चे की नजरों से बचकर कार निकालो। बाबा सब कुछ झोल मोल ही लगता है, ऐसी बातें तो बस स्टोरीज में ही होती हैं। अगर रॉक्स बर्बादी करने ही आते हैं तो कहीं तो रुकने चाहिए। सब रॉक्स आते हैं और तोड़ फोड़ करके कहीं गायब हो जाते हैं, एक भी पत्थर नहीं दिखता है। मुझे लगता है अब की बार मुझे रॉक्स का ही पीछा करना चाहिए। वो देखो, फिर से पत्थर आ रहे हैं। शिवा,
मेरे रहते ये पत्थर शहर में बर्बादी नहीं कर सकते, रोकता हूँ। लड्डू सिंह जी को लेकर ऊपर पहाड़ी की तरफ आ जाना। वापस उसी डायरेक्शन में कैसे जा रहे हैं जहाँ से वो आए थे? दाल में जरूर कुछ काला है। बच्चा फिर पीछा कर रहा है, इसे समझा दो, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ओके बॉस। चलो उस बच्चे को सबक सिखाते हैं। पहुंचना चाहिए। हमारा नाम पहाड़ सिंह है बच्चे, तुम्हें पता नहीं जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। शिवा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पर्वतों के राजा, रोको इस बच्चे को, ये आपके काम में बाधा डाल रहा है। बाधा तो अब आपके रास्ते में आ गई है। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि ये पत्थर आपके इशारों पर ही चलते हैं, और आप कोई पहाड़ी बाबा नहीं हो। इसके पीछे की वजह लड्डू सिंह जी आकर पता लगा लेंगे। देखते क्या हो, पकड़ो बच्चे को, ये बच गया तो हमारा राज सबके सामने खुल जाएगा। अब मुझसे बचकर दिखाओ।
बता दो। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बच्चे को कुचलना है मूर्खो। Hands up! You are under arrest. Sorry, hands up तो मैं ही करने वाला था। अरे बाबा sorry। कुचल चुका हूँ, प्लीज अब वापस नहीं कुचलना चाहता। रोको, अरे रोको इस पहाड़ को कोई। सबकी अकल में भी पत्थर पड़ गए क्या? पहले मेरी कार कुचल दी और अब मुझे ये फिर से मुझे कुचलवा देगा। मेरे ही आदमियों से मेरी ही मरम्मत करवा रहा है। तुम लोग मेरी तरफ हो या उसकी तरफ? बच्चे को छोड़ना नहीं। इसने मेरी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मुझे बर्बाद करके तुम नहीं बच सकते। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इंस्पेक्टर, कब तक साइड में खड़े तमाशा देखते रहोगे? अरेस्ट मी और कितना पिटवाओगे? आज पता चला जो शिवा से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। चलो साथियों, जेल चले, यहाँ रहना सेहत के लिए हानिकारक है। Hands up, you are under arrest. लड्डू सिंह सर, वो सब पहले से ही हैंड्स अप है।